ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स तो दिया है 3 और एक सक्सेस डिफाइन किया है और कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेस। कोई इवेंट है जो कि उन्होंने 3 बार किया है, उसमें कुछ सक्सेस होगा, उसके लिए एक इक्वेशन दे रखी है कि आउट ऑफ दोज 3 एग्जैक्टली 2 हमें सक्सेस मिलेंगी, उसका चांस इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स कि हमें तीनों बार सक्सेस मिलेगा। तो हमने यहाँ लिखा 3C2, 3 में से 2 इवेंट या 2 ट्रायल हमने सेलेक्ट किए जहाँ सक्सेस लेकर आएंगे हम पी स्क्वायर से, पी इन टू पी, और एक जगह पर फेलियर भी लाएंगे क्यू से। ये यहां पर लिखेंगे हम 12 × 3C3 और सभी में सक्सेस, पी इंटू पी इंटू पी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो पी है वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। यहाँ से इक्वेशन अगर हम देखें तो आई थिंक एक पी यहाँ बचेगा, एक 4B बचेगा और इधर क्यू, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब एक इक्वेशन और, इसमें अननोन तो 2 हैं, पी और क्यू, तो हमारे पास एक और इक्वेशन होती है कि अगर ये बाइनोमियल के प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सक्सेस की बात हो रही है, पी और क्यू की बात हो रही है, तो एक इक्वेशन हमेशा हमारे पास अवेलेबल है कि पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, क्योंकि या तो उस इवेंट में सक्सेस मिलेगा या फिर उस इवेंट में फेलियर मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक इक्वेशन और 2 अननोन है, एक इक्वेशन हमेशा हमारे पास है। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5, और यही आंसर हो जाएगा हमारा 1/5।